नहीं मेरे राजा, मेरे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ युवराज। न जाने से आज क्या हो गया, आज तो ये शांत ही नहीं हो रहा। नहीं राजा, लगता है कुमार को किसी की अशुभ दृष्टि लग गई है। लौशिका, युवराज की नजर उतारो शीघ्र। पूर्ण रूप से अपनी मां पर गए हैं कुमार। महादेवी भी तो जागती थी आधी आधी रात, फिर न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते थे उन्हें सुलाने के लिए। सर में तेल लगाओ, गाना गाओ, संगीत सुनाओ। देख तो प्रजापति, तेरी बांसुरी सुनकर कैसे शांत हो गया। देखिए तो महादेवी, बांसुरी के स्वर सुन के कैसे सो गए हमारे कुमार। ये क्या कर रही हो मंगला? आर्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर देखकर भी पूछ क्यों रहे हो? क्या कर रही हो मंगला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये दिए क्यों जला रही हो? हाँ, अब ये सही प्रश्न। दिए कब जलाते हैं? जब कोई पर्व होता है। आज पर्व ही तो है। किंतु आज कौन सा पर्व है? अरे महामुनि असित ने हमारे देवदत्त के लिए भविष्यवाणी जो की है। भविष्यवाणी? किंतु वो भविष्यवाणी तो सिद्धार्थ के लिए थी। हाँ, उसी के लिए की थी। शब्द सिद्धार्थ के लिए थे पर मर्म देवदत्त के लिए था। वो कैसे? आंखें बड़ी करो आर्य, आंखें बड़ी करो। अरे सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, राज गद्दी पर देवदत्त ही तो बैठेगा ना। कितनी दूर तक सोच लेती हो? मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। और मैं कितनी अभागी। मतलब मूछे होती तो महाराज बनते। मांग है इसलिए मंगला। और बहुत ही शीघ्र राजमाता देवदत्त कहाँ है? मुराज खेले मेरे साथ, मैं आपको हरा दूंगा। पुत्र इस समय नहीं, इस समय मैं अकेले रहना चाहता। नहीं, मैंने बोला ना खेले मेरे साथ। ना इस समय नहीं। नहीं, आप मेरे साथ अभी खेल। कहा ना इस समय नहीं। जाओ, मेरे कक्ष में जाके सो जाओ। देवदत्त, देवदत्त उठ, उठ, रोना बंद कर और याद रख, महाराज को अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इनका अपना पुत्र चौक है। मंगला, क्या अनर्थ कह रही हो? सही तो कहा महाराज, दायना हाथ हमेशा मुंह की ओर ही जाता है। जब कुमार नहीं थे तब यही देवदत्त था,
जिसने आपके अकेलेपन को अपने बचपन से भर दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे देवदत्त ने आपके एकांत को भंग कर दिया। चल देवदत्त। शांत शांत हो जा, मैंने कहा ना एकदम चुप चुप हो जा। धीरे धीरे मंगला दीदी, सिद्धार्थ अभी अभी सोया है। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे? आज महाराज पहली बार देवदत्त पर क्रोधित हुए हैं। महाराज क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? आप महादेवी माया को वचन देकर भूल गई महादेवी प्रजापति। आपने कहा था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगी, परंतु युवराज सिद्धार्थ के लालन पालन में इस तरह डूब गई हैं आप कि व्यथा में डूबे महाराज पर ध्यान ही नहीं रहा आपका। माँ तो बन गई परंतु पत्नी का धर्म भूल गई। इस समय जब महाराज को आपके शयन कक्ष में होना चाहिए, वो व्यथित राज्यसभा में बैठे हैं। आप महादेवी हैं किंतु आयु में मैं आपसे बड़ी हूं। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बिना मांगे आपको सलाह दे रही हूं। ऐसे कोमल अवसर में अपने पुरुष को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप समझ रही है ना? चल देवदत्त। महाराज कहाँ हैं? अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गए हैं महादेवी। तेरा पुत्र सन्यासी बने, जीवन के हर युद्ध में ये विजयी हो, पर वो युद्ध भावनाओं का होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। क्षमा महाराज। दोष तुम्हारा नहीं, मैं बेध्यान हो गया था। ये क्या देव, ये कोई समय है प्रशिक्षण का? नींद नहीं आ रही थी, व्यथित था, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। ऐसी कौन सी व्यथा है देव जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया? मैं शाक्य कुल का पतन होते नहीं देख सकता देवी, मैं क्षत्रियों का अपना धर्म छोड़ते नहीं देख सकता। जिन हाथों में मैं तलवार देखना चाहता हूं, उन हाथों में मैं कमंडलू कैसे देखूं? जिस शरीर पर मैं रक्त रंजित खाओ देखना चाहता हूं, वहां चंद तिलक कैसे देखूं देवी, कैसे देखूं? आप किसकी बात कर रहे हैं देव? कुमार सिद्धार्थ की, असित मुनि की वाणी अभी गूंज रही है मेरे कान में। आप अकारण ही व्यथित हो रहे हैं देव, कल किसने देखा है? इतने जब तप यज्ञ के पश्चात एक पुत्र हुआ, और वो भी सन्यासी। ऐसा कुछ नहीं होगा देव, असत मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं हुई देव। किंतु भविष्य के गर्भ में क्या है यह कोई नहीं जानता। मैं तुमसे पूछता हूं देव, तुम्हें क्या लगता है
जिस भगवे वस्त्र से सन्यासी का चोला बनता है, उसी भगवे वस्त्र से हमारे राज्य का परचम बना है। वस्त्र हमारे पास है और हमें उसका क्या करना है, यह तो हमारे ही हाथों में है ना देव। आप कुलगुरु वाचस्पति से विचार विमर्श करें, वह अवश्य ही कोई मार्ग सुझाएंगे। मुलाथो ब्रह्म रूपाया मध्याथो विष्णु रूपेने अगर्थ शिव रूपाया वृक्ष राजाय थे नमः। महादेवी प्रजापति, आपका यह विचार अति सराहनीय है। यदि हर परिवार अपने मृत आत्मा की स्मृति में एक वृक्ष लगाए और उनका जतन करे तो पृथ्वी सदैव हरित रहेगी और उनकी स्मृति भी जीवित रहेगी। आज हमने ये वृक्ष लगाकर मां देवी महामाया की स्मृति को सदैव के लिए धरती से जोड़ दिया। महादेवी महामाया की जय। महादेवी महामाया की जय। महादेवी महामाया की जय। गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अवश्य राज। आप तो जानते हैं कि असित मुनि ने भविष्यवाणी की है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। मुझे यही चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। इस बहते पानी को देख रहे हैं राजन, यदि आप इसके प्रवाह को मोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे राजन? गुरुवर, एक गहरी नहर बनानी होगी ताकि पानी उस नहर से बहे। अरुद्ध, इसका प्रवाह तो सीधा है, यदि ना मोड़ा तो? पानी को रोकना होगा गुरुवर, उसके आगे बांध बांधना होगा ताकि पानी का प्रवाह मुड़ जाए। सिद्धार्थ का जीवन भी इस बहते पानी की प्रवाह की तरह राजन, यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी ही पड़ेगी। वैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की मानता केवल एक सन्यासी बनने में दिखती है, परंतु आप क्षत्रिय हैं इसलिए आपको सिद्धार्थ की मानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती है। क्षत्रिय धर्म से सींचोगे तो क्षत्रिय ही बनेगा। शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजन। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजन, वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। महाराज, वो भी अकेले? सही अवसर। मंगला, तू इतने दिनों पश्चात आपसे अपना नाम सुनकर मन आनंदित हो गया महाराज। अच्छा हुआ, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? परख रही थी कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही। जो महाराज आज मुझसे बात करना चाहते,
आज का दिवस तो मेरे लिए एक उत्सव ही है। कहिए ना महाराज। अब हम सबको मिलकर युवराज का ध्यान रखना है। आप कहें तो मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ महाराज। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन अच्छा नहीं होता। और कुछ इच्छाओं का दमन संभव नहीं होता महाराज। तुम फिर से वही बात कर रही हो। क्योंकि मैं वो बात आज तक नहीं भुला सकी। मेरी प्रजापति में ऐसा क्या था जो दूसरे विवाह के लिए आपने उसे चुना और मुझे आपके दूसरे भाई से ब्याह करना पड़ा, जबकि मेरी असली चाह तो आप ही थे महाराज। ये सारी बातें अतीत की है मंगला। फिर ये बात आज भी मेरे आगे प्रश्न बनकर खड़ी है महाराज। आज उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। दूसरे ब्याह की बात महादेवी महामाया की इच्छा थी और प्रजापति उसकी बहन, उसमें मेरे रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न नहीं। और ये बात अब व्यर्थ है, समय का नाश है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब आनंदित रहेंगे, अन्यथा इतिहास दर्शाता है कि परिवार का कलह महाभारत तक पहुंचा है। महाराज शुद्धोदन, पहले मेरी दृष्टि केवल आप पर थी, परंतु अब आपके साम्राज्य पर भी है। कपिल वस्तु की महादेवी नहीं बन सकी, परंतु राज माता अवश्य बनकर दिखाऊंगी। मैंने युवराज सिद्धार्थ के हाथ में कमंडल ना थमाया ना तो मंगला को मंगला मत कहना। अब देखें कैसा लग रहा है। महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ गई? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय, ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। बस देव ने लोहे की चादर। प्रतिरात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सब ने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहे महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुख, दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं, अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुख, दुखी और दुर्बलता से, गरीब रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु यह तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही, उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं?
एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेनापति? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें? महाराज क्यों ना हम रोगी वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें? क्या संभव है सेनापति सुमन? हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे, बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहां? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। दाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्व अनुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया है। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा, कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं। क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य यह नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति हो, सम्राट हो, ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता, शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करेंगे जहां कपिल वस्तु के रोगी वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा,
जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य के प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोदन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम यह समझ लें शाक्य सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोदन की जय! महाराज शुद्धोदन की जय! महाराज शुद्धोदन की जय! दादी, तंत्र मंत्र जानती हैं। आपने कहा था ना, लीजिए इस बादाम को आप अपने पास रखिएगा, देखिएगा आज आपको कोई न कोई शुभ संदेश मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ यहाँ से। शुभ संदेश मिलते ही इसे पानी में बहा दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ। आओ दादी, आओ। कौन थी वो? डायन। क्या? क्यों डर गए? कामुका की दादी, तंत्र मंत्र में इनका जोड़ ही नहीं। आप बताएं शाक्य सभा में क्या हुआ? नई नगरी का प्रस्ताव पारित हो गया। नई नगरी? सुनिए सुनिए सुनिए, कपिल वस्तु के सभी प्रजाजनों के हित में महाराज शुद्धोदन ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कभी किसी राजा ने अपनी प्रजा के हित में नहीं लिया। सुनिए सुनिए सुनिए। बात तो भाई महाराज के स्वार्थ की है, किंतु दिखावा परमार्थ का। और ये प्रजा है कि उनको और कुमार सिद्धार्थ को आशीर्वाद दे रही है। नई नगरी? सचमुच? ऐसा परमार्थी राजा ना हमने कभी देखा ना सुना। कुमार सिद्धार्थ झुक झुक जिए, ये तो अनर्थ है। प्रजा की आंखों में धूल झोंकने की बात है आर्य, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज का मुखौटा उतर जाए, प्रजा को सच्चाई का पता चले, महाराज शुद्धोदन अपमानित हो और कुमार सिद्धार्थ को भी प्रजा अभिशाप माने। किंतु ये कार्य करेगा कौन? कामुका, नई नगरी का लाभ लेने के लिए सभी गरीब वृद्ध और रोगियों को 2 दिन में कपिल वस्तु छोड़कर वहां जाना होगा। ये फैसला जनहित में है, इसलिए महाराज आप सभी से सहयोग चाहते हैं जिससे बल का उपयोग ना करना पड़े। ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं राजा, बताओ तो। के पीछे कितना स्वार्थ छिपा है ये तो अंदर की बात है। एक बार यहाँ से निकले ना
तो मानो पहुंच गए शमशान घाट। अरे उसके बाद तो वापस आने का नाम भी नहीं ले पाओगे तुम लोग। ये सब किसके कारण? कुमार सिद्धार्थ के कारण। कहते हैं उन्हें दुख नहीं दिखना चाहिए वरना कुमार सन्यासी हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि कुमार पैदा ही ना होते। महल में दिए जले इसलिए हमारे घर में अंधेरा। अरे कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही माँ को खा गया और अब बड़ा हुआ तो ये कपल वस्तु खाली करवा रहा है। ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है ये तो सुना था, पर इतना क्रूर इतना कठोर भी हो सकता है ये पहली बार देखा। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी निर्धन वृद्ध रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकिए, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तुम बहुत ठेस पहुंची है देव। यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दी। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी। किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते? अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा। क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिल वस्तु को भावी सम्राट जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर। कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं, मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं उसके हित में कर रहा हूं, ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिल वस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा।
अरे ले जाओ इसे भी, नहीं रह पाएगा अपनी दादी के बिना ये। अरे कल बीमार होगा तभी लेके जाओगे इसे तुम। ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं, मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। महादेवी, महादेवी ये मनुष्यता नहीं है महादेवी। जब करुणा ही नहीं होगी तो मनुष्यता कहां से होगी। इतना अत्याचार मत करो हम पर, मत लो हमारा अभिशाप। हम पर जो बीती है ना, वो एक दिन तुम पर भी बीतेगी। और जिसके लिए तुम हमें बेघर कर रहे हो, वही तुम्हें एक दिन त्याग कर चला जाएगा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, और कितनी देर लगाएगा तू, और तू कब से निष्ठुरों का साथी बन गया? बोल, चुप क्यों है तू? क्या हमारा दुख तुझ तक नहीं पहुंचता? इस आतंक को देखकर तेरी आंख से आंसू क्यों नहीं बहते? लौशिका, लौशिका देख, सिद्धार्थ के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई महाराज, अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है। देव, कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुषेण को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज। दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता है। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं। कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा होगा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे, और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूं। भिजवाइए नहीं, मंगा लीजिए। आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। डर में बीत गए दिन कितने, सन्नाटे में राते, साम गाम दंड खेत के डंडे करते रहे बस बाते। सिद्धार्थ, 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 देवव्रत, सिद्धार्थ कहाँ है? वन मनुष्य तो वन में ही रहता है।